अब मैप के भरोसे वतन साथियों, हो गया सारा कुछ। एक बार सुदीप दा फाइनल राउंड का मैंने फाइनल टेस्ट एक बार कर ले रहे हैं, एक बार चला के देख लेते हैं। उसके बाद 6 बज गए हैं, सारा दिन लग गया। लास्ट 3 आइटम जो बजा था, यहाँ पे गाड़ी खुल रही है, अभी तुरंत हो जाएगा ये छोटा मोटा आइटम, फिर चलेंगे घर जैसे एक। तो ये फाइनली आज कम्प्लीट हुआ अपना बाइक। एक बार थोड़ा सा रिव्यू जो जो हुआ है वो कर लें। ये गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। टाइम हो रहा है अभी 10:20, और कल रात को राइड ठीक ठाक हुआ। सुबह भी उठ के देख लिए, टायर हमारा ठीक ठाक है। डर तो लग रहा था लेकिन रात को एक बार पार्थ दादा जी फ़ोन आया था कि आप चिंता मत कीजिए, चलाइए, सब ठीक रहेगा। तो अब निकल रहे हैं हम यहाँ से। आज जो बाइक में एक्सेसरीज वाला काम करवाना है वो सारा आज करवा लेंगे, जो भी जितना पॉसिबल हो सकता है। बाइक दे के नहीं आना है, खड़े रह के जो होगा वो सारा करवा लेंगे। तो चलो निकलते हैं, लेट हो रहा है काफ़ी। गर्मी खतरनाक है, मतलब धूप तो नहीं है बट ह्यूमिडिटी है, इसलिए एक बार सिर्फ बाइक निकालने का उसी में भीग के चलो भागते हैं फटाफट। ओके, साइंस सिटी पहुंच गए। घर से निकल के कैमरा ही ऑन करना भूल गया था। खैर चलो लेट्स स्टार्ट, यहाँ से फिर से शुरू करते हैं। कि अभी जाना है फोनिक्स कस्टम्स, जो कि है लेक टाउन में। मेरे घर से डिस्टेंस करीब 16 या 17 किलोमीटर का है। और मौसम तो यार काफ़ी गर्म है आज का, मतलब एक तो गर्मी, ऊपर से ये मतलब वाइज़र गिरा के चलाना, वाइज़र नहीं गिरा हो तो धूल धक्कड़, तो वही बचने के लिए वाइज़र गिरा के चल रहे। और बाइक तो वैसे भी है, बाइक मैंने बहुत ज़्यादा गर्म होता है, मेरे को लग रहा है अभी अब वो गर्मी की वजह से भी लग रहा होगा। तो खैर चलो पहुँच गए हैं यहाँ पर साइंस सिटी के पास तक। यहाँ से और आधा रास्ता और ऑफिस और है ना, तो थोड़ा सा यहाँ पे वो ऑफिस वाला ट्रैफिक दिख रहा है। घर से निकलते वक्त इतना कुछ सेट करना होता है कि उसमें अभी ये मैप भी सेट हो गया है, मैप सेट करने में टाइम लगा। निकलते निकलते माता जी एक कप चाय ऑफ़र कर दी, उसमें थोड़ा सा टाइम लग गया। फिर गोप्रो का बैटरी के लिए वो पावर बैंक को चार्ज में लगा दिया, वो पावर बैंक से एक वायर लेके जो पीठ पे बैग है उससे ये कनेक्ट हो गया। और अभी ना वो मेरे पास जो पुराना फॉग लैम्प था, आई मीन एचडी वाला जो लाइट था जो मेरे स्कूटी में लगा था, वो लाइट खोल के ले लिया हूँ कि वो लाइट को इसमें लगवा लिया जाएगा, बिकॉज़ थोड़ा पैसा मेरा बच जाएगा बेवजह। अब नया लाइट पे खर्चा करके फ़ायदा है नहीं। स्कूटी से जितना भी कुछ एक्सेसरीज लगा था जो टूरिंग के लिए, वो सारा खोल दिया हूँ, बिकॉज़ वो अब सिटी राइड ही हो रहा है। और सिटी राइड ही होगा, बाबू ऑफिस लेके जाता है, मेरे को कुछ ज़रूरत होता है छोटा मोटा घर का काम तो उससे कर लेते हैं, तो जो मॉडिफिकेशन वगैरह है इसी में होगा। तो आज फोनिक्स कस्टम में बहुत दिन से बात चल रहा था मेरा, लेकिन भाई थोड़ा सा धन भी देखना होता है ना कि पॉकेट में है कि नहीं। तो वही सारा प्लानिंग व्लानिंग करके आज हुआ कि भाई चलो जो ज़रूरत है वो सारा आज कम से कम करवा लिया, जैसे क्रैश गार्ड हुआ और हैंडल गार्ड हुआ, हैंडल बार राइजर हुआ, ये सब टुक टाक कुछ कुछ है लिस्ट, तो वो देखते हैं। अरे वाह गुरु, केटीएम केटीएम ड्रेस देख लो, केटीएम वाले बाबू का मस्त ड्रेस है। एक 3/4 पैंट, उसके साथ एक कीटो हेलमेट भी वैसा ही एकदम ऑरेंज कलर का चमकता हुआ, उड़ते हुए जा रहा है वो बंदा। देखो वो तो खैर कैमरा में दिखेगा भी नहीं। अच्छा तो मेरे को यहाँ से सीधा जाना है, और ये जो ट्रैफिक है ये मैक्सिमम ट्रैफिक लेफ्ट साइड वाला है, जो सेक्टर 5 जाएगी हमारा आईटी हब। बाप रे बाप, धूप तो एकदम जान मार दिया है भाई। ये एरिया है, ये एक्चुअली इस एरिया में ना आप देखना जो भी कार या बाइक है स्पीड अपना कंट्रोल कर लेंगे, बिकॉज मेरे को लाइफ में फर्स्ट टाइम स्पीड का अगर केस कहीं पे मिला था तो वो था यही एरिया। यहाँ पे जैसे बाइक के लिए 50, बसेस के लिए 40 और कार के लिए 60। कार मेरे पास उस वक्त थी i10, i10 को 110 में चलाए थे, क्योंकि ये रास्ता स्ट्रेट और एकदम खाली रास्ता, और उस वक्त ये स्पीड गन और ये कैमरा वगैरह ना नया नया था कोलकाता में। तो जैसे ही आगे जाके सिग्नल पे पहुँचे, एक ट्रैफिक वाला मेरे को साइड कराया और साइड करा के बोला कि सर आपका तो
60 स्पीड लिमिट है और आप 110 में चल रहे थे। पहले तो मतलब मेरे को एक वो मतलब हंसी आया, मैंने खुश हो गया पहले बहुत कि ये टेक्नोलॉजी आ गया है यहाँ पे। और इत्तेफाक से मेरे पॉकेट में सिर्फ 500 का एक नोट था और उस वक्त UPI वगैरह था नहीं। तो वहाँ सार्जन जो थे, सार्जन से पूछा कि आपको कैसे पता चला, तो वो एक्सप्लेन किए, देखिए वहाँ पे स्पीड गन लगा हुआ है, कैमरा है और वो कैमरे में ये रिकॉर्ड हो गया है कि आपका स्पीड था। बहुत खुश हुए, मतलब कितना फ़ाइन देना है, तो 300 रुपया फ़ाइन है। हम पकड़ा दिए भैया खुशी खुशी, हम बोले चलो। ये फ़ाइन स्पीड के लिए नहीं, ये फ़ाइन ये टेक्नोलॉजी जो बनाया है और ये जो यूज़ हो रहा है उसके लिए है। तो अब तो खैर ये काफ़ी पुराना टेक्नोलॉजी हो चुका, हर जगह हमारे यहाँ कोलकाता में स्पीड गन और वो सारा कुछ लग गया जिसके लिए लोग अपना स्पीड कंट्रोल करते हैं, और नहीं तो ऑनलाइन केस आ जाता है आपके पास। आप जाके कोलकाता ट्रैफिक वाले वेबसाइट में देखिए, आपको केस दिख जाएगा कितना है, ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिए, आपका केस ख़त्म। और ये यही एरिया था स्टेडियम वाला, ये जो फ्लाईओवर है ना, ये फ्लाईओवर की भी एक स्टोरी है। अब जो लोग कोलकाता के हैं उनको पता होगा, जो लोग नहीं हैं उनके लिए बता दूं कि ये फ्लाईओवर के एकदम बीच का जो हिस्सा है ना, एक बार गिर गया था, मतलब एकदम मिडिल पोर्शन। अब वो हुआ था शायद कोई हेवी व्हीकल इस पर उस वक्त अलाउड था, या शायद अलाउड नहीं था और रात के वक्त वो इस पर चढ़ा दिए थे गाड़ी, जिसके वजह से क्या हुआ कि बीच का जो हिस्सा है वो पूरा गिर गया था। एक्सीडेंट अच्छा खासा हुआ था, कुछ लोगों का डेथ भी हुआ था, ठीक से याद नहीं आ रहा मेरे को, बट बड़ा एक्सीडेंट था और बहुत दिन तक ये बंद रहा। उसके बाद कोलकाता में जितने भी फ्लाईओवर हैं, न्यूज़ वाले मीडिया वाले जाके क्रैक दिखा दिखा के अपना कंटेंट बना रहे थे कि देखिए ये फ्लाईओवर भी किसी दिन गिर सकता है। और जहाँ फ्लाईओवर बनता है ना, उसके नीचे यहाँ पे स्लम लगना तो खैर वो लाजमी हो जाता है कि स्लम हो ही जाएगा वहाँ पे। बट अभी थोड़ा स्मार्टली ये लोग प्ले कर रहे हैं कि फ्लाईओवर के नीचे वाला जो एरिया है उसको बैरिकेड करके थोड़ा सा गार्डनिंग या कोई ट्रैफिक पुलिस का ऑफिस ये सारा कुछ बना दे रहे हैं वहाँ पे, ताकि वो जगह यूटिलाइज हो जाए और मेंटेन रहे। अब मैप के भरोसे वतन साथियों, चलो फोनिक्स कस्टम ऑलमोस्ट देयर फोनिक्स कस्टम यप ये रहा फोनिक्स सुदीप दा, काम स्टार्ट हो चुका है अपना फोनिक्स कस्टम में, हो रहा है सारा इंस्टॉलेशन, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। कुछ कुछ यहाँ पे मेरे को सामान मिला भी नहीं, तो वो देखते हैं यहाँ से, अगर वेलिंगटन जाके करवा लेंगे वो। क्या लग गया क्या एक्साइड का? मोटर डोर का हमको ये डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लगा, हम जाना का भी देखे थे बहुत जगह, मेरे घर के पास जाना का अवेलेबल था, जाना का डिज़ाइन मेरे को एकदम खराब लगा। ये देखो ये एक एक्सपल्स है सुदीप दा का, खतरनाक ऑफ रोडिंग करते हैं, अभी रिसेंटली संदाकफू करके आए हैं, वो शायद ये वाला लेके गए थे या अंदर एक पुराना हिमालयन है वो लेके गए थे। और ये एक आया है देखो, ये भी फुल्ली मॉडिफाइड है GT650। 2 बज रहा है, काम तो कंटिन्यूस चल रहा है, अभी लाइट वाला काम हो रहा है मेरा, लाइट वाला काम बहुत सही हो रहा है, मतलब हार्नेस वारनेस सारा था मेरे पास और इनका जो वायरिंग है ना वो पूरा टैंक के अंदर से हो रहा है। यही है फोनिक्स कस्टम का गैरेज और ये रहा यहाँ पे मतलब शोरूम, और यहाँ पे अपना काम हो रहा है अंदर, दो लोग लगे हुए हैं अभी लाइट लगाने में, और लाइट जो मेरा पुराना था सारा वही लग रहा है, नया इसमें कुछ भी नहीं है, लाइट मेरा एकदम ठीक ठाक है।
हो गया सारा कुछ। एक बार सुदीप दा फाइनल राउंड का मैंने फाइनल टेस्ट एक बार कर ले रहे, एक बार चला के देख लेते, उसके बाद तुम लेके निकलना बाइक। सही है ना? सोवा का सस्पेंशन फर्स्ट टाइम हिमालयन में, मतलब खेलता है बाइक। और बेटर, मच बेटर लोअर देन केटीएम। और ये जो फील देता है ना आपको सामने बैठ के, केटीएम डे खाली ड्यूक के इंजन ना सिमिलर, किंतु मच बेटर लोअर। केटीएम में लोअर का तो लोअर टाइप का वाला है नहीं, इसका ये फील बहुत है। स्टांस जो है बैठ के आपको लगेगा कोई बाइक चला रहे। और व्हील बेस देखिए, चले सुदीप दा। तो चलिए भैया, सारा कुछ हो गया। 27 मिनट लगेगा यहाँ से मेरे को वेलिंगटन पहुँचने में। तो सारा कुछ रेडी हो गया, इसको थोड़ा सही तरीके से सेट करना होगा ये मैप को। तो अब हो गया है मैप, इस पर सेट। चलो आसी, ये वायर वायर जो है ना इसको और थोड़ा सा सही तरीके से सेट करना होगा। एटा ना मन है और एक पेचने जाए क्या ना? हाँ हाँ पेचने जाए क्योंकि सेट हो ना। अच्छा मेरे को ऐसे यू टर्न लेके जाना है ना, अभी जाएंगे एक बार वेलिंगटन, यू टर्न ले लेंगे। हो, अब खेल रहे हैं बाइक। हैंडल बार राइजर लगा के जो हुआ है ना, अब राइजिंग राइजिंग हो गए। ये थोड़ा जो नाच रहा है ना मेरा जीपीएस माउंट, थोड़ा सा इसको सेट करना होगा। ये भी हो जाएगा, यहाँ से स्ट्रेट। हो चलो पहाड़ों में। सचमुच अब जो हो रहा है ना अंदर से गुदगुदी कि कब लेके उड़ जाएं, जैसा पार्थो दा बोलते थे अनिल जी की फ्लाइंग। जोक्स अपार्ट, फ्लाई नहीं करना है, ऑलवेज सेफ राइड करना है। अब सेफ राइड करने के लिए जगह भी वैसा खोजना होगा। तो मन में नॉर्थ बंगाल बसा हुआ है, अपना घाटशिला है, उसके अलावा लोग पुरुलिया तो जा ही रहे हैं। तो चलो अपना किस्मत कहाँ लेके जाता है वो देखना है। पहले वेलिंगटन चले, और एक दो काम है वो सारा आज कंप्लीट कर लें। तो क्या है, गाड़ी सेफ्टी की तरफ अपना रहेगा, एटलीस्ट सेफ्टी जो एक्सेसरीज है वो सारा मेरा कंप्लीट हो जाएगा आज। ओ सिग्नल नहीं हुआ है फिर भी लोग परेशान हैं, कहाँ चचा घुसड़े जा रहे हो यार, ऐसा क्यों करते। अच्छा आगे स्कूल बस है, माय बैड। भरपूर सिटी राइड हो रहा है हाँ। और ये जो रास्ता है ना, इस रास्ते में मतलब इतना संकरा रास्ता है, पतला रास्ता है कि दाएं बाएं कुछ दिखेगा ही नहीं। देखो बाएं साइड एक वैन है, आई मीन रिक्शा, ये एक मिनी बस, दाहिने साइड से अलग ही ट्रैफिक होगा। और ये लोग इस सिग्नल खाने के चक्कर में खाली ऐसे धीरे धीरे हिलते रहते हैं। ओफो चाचा हम जल जाएंगे ऐसे। शायद सियालदा आ गए क्या हम लोग? हाँ सियालदा आ गए यहाँ से वही। चलो यहाँ से तो याद है रास्ता, सो आगे जाके राइट, फिर वही थोड़ा सा भूलभुलैया में घुमाएगा मेरे को। खतरनाक प्यास लगा यार, मुँह सूख जा रहा है पूरा एकदम। चलिए पहुँच गए वेलिंगटन, हमारे यहाँ का करोल बाग। और यहाँ कहीं गली कूचे में घुसाएगा मेरे को ये मैप, सीधा सीधा कहा है नहीं स्ट्रेट लेके जाता कहीं से। चलो यहीं से घुसते हैं, जब चाहते हो कि हम ऑफ रोडिंग करें तो कर ही लेंगे। लगल है जाम,
जो स्कूटी का पीछे वाला जो ये बनवाया था ना अपना, क्या बोलते हैं वो जेरिकन रखने वाला, वो यहीं पे हुआ था। हा 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 हा, ये आ गए हम ख़तरनाक जगह जहाँ बाइक का सब कुछ मिलता है। यहाँ पे हमको सिर्फ दो काम कराना है। तो हो गया यहाँ भी काम। अभी तक बेस्ट प्लेट अवेलेबल नहीं है कहीं पे। आई मीन यहाँ भी जो हमारे यहाँ वेलिंगटन का सबसे बड़ा जो मोटरसाइकिल एक्सेसरीज़ का मतलब बाइक एक्सेसरीज का दुकान है, वहाँ भी पूछ लिया तो अभी बेस्ट प्लेट बोल रहे कि यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, वहाँ भी नहीं था, तो बोले आने में 1 वीक लग जाएगा। तो देखते हैं, अभी तक वो जो कंपनी फिटेड है प्लास्टिक वाला वही चल रहा है। तो चलो ये अभी चल जाएगा, अभी हड़बड़ी नहीं है। यहाँ प्राइस यार बहुत रीज़नेबल प्राइस होता है, मतलब हाँ मिस्त्री ढंग का मिलना चाहिए। इसलिए मेरे को बहुत अच्छा सजेशन दिया, बोले जो जो सामान आप ले जा रहे हैं ले जाइए यहाँ से, ये लोग थोड़ा चार्ज ज़्यादा करेगा, घर जाके आप आराम से अगर आसपास कोई अच्छा मिस्त्री मिलेगा तो उसे सेट करवा लीजिएगा। तो अपने क्या नाम है वो पार्थोदा है, पार्थोदा से बात करके सेट कर लिया है। एक ही बार पार्थोदा से डिस्कस करके ही इस पर जो छोटा मोटा फिटिंग्स है वो सारा करवा के बैक टू होम। सारा दिन लग गया आज, सीधा एकदम पार्थोदा की गली में। कभी आना तू मेरी गली। इस एरिया में कोई भी बाइक ऐसा अगर आता होगा ना तो लोग ऑटोमेटिकली समझ जाते हैं कि ये जा रहा है पार्थो बाबू के पास, आई मीन लद्दाख मोटो गैरेज। हम जा रहे हैं लद्दाख मोटो गैरेज, यहाँ से लेना है लेफ्ट। यहाँ से फिर राइट, फिर लेफ्ट। फिर ये गाड़ी देख के मेरे को याद आता है कि हाँ चलो पहुंच गए सीधा, वो जहाँ जाके धक्का मारेंगे वहाँ से राइट और हम लोग पहुँच गए लद्दाख मोटो गैरेज। ये आया यहाँ से फिर राइट लद्दाख मोटो गैरेज, लद्दाख मोटो गैरेज। पता है दादा কয়েকটা জিনিস আছে জব জব লাগিয়ে দাও না সব কাজ শেষ করে আমি বললাম আজকে তাও একটা বেস্ট প্লেট পেলাম না। বেস্ট প্লেট এখনো হয়নি, কটা বাজে সেটাও জানি না, 6 বাজে গেছে, সারা দিন লাগ গিয়া। লাস্ট 3 আইটেম যে বাজার यहां पे গাড়ি খুল রই, अभी तुरंत हो जाएगा। ये छोटा मोटा आइटम फिर चलेंगे घर, जैसे एक ये विंडस्क्रीन था, दूसरा एक ये मास्टर सिलेंडर और एक ऑयल रिजर्वर का कोई है, वो कहाँ पे लगेगा मेरे को नहीं पता, लेके तो आ गए ये कहीं लगेगा। अभी गाड़ी लग रहा है यार, मस्त लग रहा है गाड़ी। तो ये फाइनली आज कंप्लीट हुआ अपना बाइक, एक बार थोड़ा सा रिव्यू जो जो हुआ है वो कर लें। ये विंडशील्ड लगा अभी यहाँ पे आके, ये नकल गार्ड लगा यहाँ पे आके, वो मैं वेलिंगटन से ख़रीद के लाया था, और बाकी जो सारा सामान लगा है ये सैडल से लगा है मोटोटॉर्क का, ये बेस्ट प्लेट है मोटोटॉर्क का, ये साड़ी गार्ड खुलवा के बांध लिए हैं, और ये क्रैश गार्ड है मोटोटॉर्क का। लाइट मेरे पास ऑलरेडी था तो ये लाइट अपना फिटिंग हो चुका है। बाकी ये एक बहुत सही चीज़ लगा है, ये GPS माउंट, और कुछ बचा तो नहीं, और अभी फ़िलहाल तो और कुछ नहीं बचा। तो बस पार्थोदा जाते जाते अच्छा खासा मदद कर दिया मेरा सेवियर बन के। तो चलो बस अब निकलते हैं घर, 8 बज रहा है। अई अरूप कोदा गले, चलो टाटा। अरूप लास्ट में अच्छा खासा मदद किया मेरा, तो चलो अब निकला जाए घर। चलो निकल पड़े रात के 8 बजे।
अब जो गाड़ी लग रहा है ना बस, कहर लग रहा है बाइक। अभी तो फॉग लैंप जलाए ही नहीं, फॉग लैंप जलाएंगे तो कहरता का सीमा पार हो जाएगा। तो चलो प्रस्थान किया जाए घर, और उसके बाद वहाँ पे जाकर खुशी को दिखाया जाएगा जो मॉडिफिकेशंस हुआ है सारा। मैं अभी अभी भी लग रहा है कि साला कितना कुछ बाकी है। तो खैर चलो, और इस पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है, जब इसके बाद वाला होगा अपना सामान सब वो लेना है और वो देखा जाएगा। तो चलो घर पहुँचते हैं भाई अब। तो चलो भाई, ये हम बाईपास से अब घुस गए हम अपने घर की ओर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। ब्लॉग में अच्छा बुरा जो भी लगे अपना कमेंट करके बता देना। कुछ और इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए तो ज़रूर पूछ लेना। अब आगे राइड वाइड का प्लान बहुत जल्द बनेगा, ये एक बहुत बड़ा काम था जो कि हो गया है। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, गुड नाइट।